सब्सक्राइब करें मेवात टाइम। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा है कि वायरल वीडियो में मनीषा नामी लड़की मेवात के बारे में अपना अनुभव साझा कर रही है। दरअसल इन दिनों कई खूबियों से जाना जाने वाला मेवात इलाका सुर्खियों में है। एक अलग विचारधारा रखने वाले लोगों ने मेवात पर संगीन इल्जाम लगाए हैं, जिसके बाद मेवात को करीब से जानने वाले और किसी भी उद्देश्य से मेवात में हसीन पल बिताने वाले लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मनीषा उत्तराखंड से हैं, जो हरियाणा रोहतक में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की छात्रा हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनका मेवात आना हुआ। उनका कहना है कि मेवात जितना खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग बेमिसाल हैं। मेरे घर जैसी शब्दों की खुशबू, ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ। उन्होंने आखिर में कहा, थैंक यू मेवात, आई लव मेवात। वीडियो आप भी देख सकते हैं। मेरा नाम मनीषा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैं रोहतक हरियाणा में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और कॉलेज की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे मेवात जाने का मौका मिला। मैंने इससे पहले कभी मेवात का नाम नहीं सुना था, लेकिन शूटिंग के उन 10 दिनों में मेवात ने मुझे बहुत सी यादें दी। मेवात जितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग भी उतने ही बेमिसाल हैं। उन 10 दिनों में हमें कभी नहीं लगा कि हम किसी अनजानी जगह पर हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान हमने अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के बीच रहकर शूट किया। हमारे लिए वहाँ ना कोई हिंदू था ना कोई मुस्लिम। जहाँ हम एक तरफ मंदिर की धर्मशाला में रह रहे थे, तो वहीं दूसरे दिन किसी मुस्लिम परिवार के बीच शूट कर रहे थे, और उनके लिए भी हम अलग नहीं थे। शूटिंग के लिए हम जिस भी घर में गए, जो ज़्यादातर मुस्लिम परिवार से थे, उन्होंने हमारा उतना ही आदर सत्कार किया जितना कोई भी हमारे अपने परिवार से करता है। उनकी रसोई में वही खुशबू थी जो मेरे घर की रसोई में होती है, और उनके शब्दों में वही मिठास थी जो हमारे अपनों के शब्दों में होती है। उनके बीच रहकर कभी पराया नहीं लगा। 10 दिनों की शूटिंग के बाद मेवात से लौटते वक्त ऐसा लगा कि किसी अपनी जगह से अलग हो रहे हैं। मेवात ने बिल्कुल घर जैसा माहौल दिया था। तुम बिना जाने बिना समझे किसी इंसान के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तुम मेवात तो पूरा एक शहर है, उसके बारे में अफवाहों पे यूं ही विश्वास करना कितना सही है। वो एक खूबसूरत जगह है और हमेशा रहेगी, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है वहाँ के लोग। थैंक यू मेवात, लव यू मेवात। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।